Hello everyone, my name is Yash Dubey and I am studying in National Institute of Technology, Raipur. In this video, I am going to talk about the concept of electric current from the chapter that is current electricity. आज के इस वीडियो में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करने वाला हूँ. तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल रहता है वो आई रहता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट. बेसिक जो डेफिनेशन रहती है इलेक्ट्रिक करंट की वो रहती है द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. क्यू मतलब चार्ज, एन टी मतलब टाइम, मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वही करंट है. सो बेसिकली करंट जो अपन देखते हैं वो दो टाइप के करंट देख सकते हैं. पहले करंट अपन देखते हैं आई एवरेज और दूसरा करंट अपन देखते हैं आई इंस्टेंटेनियस. अब आई एवरेज क्या होता है और आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है, लेट मी टॉक अबाउट. ओके, तो आई एवरेज बेसिकली क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. इसका मतलब क्या है, अगर मान लो एक कंडक्टर है जैसे, ठीक है, लेट्स से ये कंडक्टर है, ठीक है. अब ये कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये एक अपन ने स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया. अब इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा इसकी वैल्यू होगी डेल्टा क्यू, और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन हो रहा होगा इसका हो गया डेल्टा टी. तो जो यहां से डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी फ्लो कर रहा होगा वो है इलेक्ट्रिक करंट. अब जो एवरेज रहता है, अपन ने किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज करंट की बात कर रहे हैं. एवरेज मीन्स क्यू टू माइनस क्यू वन, मतलब अपन को दो टाइम ड्यूरेशन दिए जाएंगे उसके बीच में अगर करंट निकालना है अपन को करंट, तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इन एवरेज. ओके, तो बेसिकली इस फॉर्मूले को अगर मैं डिराइव करूं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को, तो इट इज क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. ओके, क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. ये हो गया हमारा आई एवरेज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इन एवरेज फॉर्म. ओके, अब इतना तो अपन को समझ में आ गया है यहां पर कि आई की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई टी. दैट इज मेरे साथ बोलिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट की बहुत सारी कैटेगरी बातें कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, अब जैसे इसकी यूनिट निकालते हैं तो चार्ज की यूनिट रहती है कूलम्ब और टाइम की यूनिट रहती है सेकेंड. तो जो कूलम्ब पर सेकेंड है वही इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट रहेगी, और कूलम्ब पर सेकेंड को हम प्यार से बोलते हैं एम्पियर. दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, देन टॉकिंग अबाउट, अब इसकी एक और बहुत अच्छी बात रहती है कि स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. अब मैं इलेक्ट्रिक करंट की तुमको प्रॉपर्टी बताता हूँ, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है. अब कोई भी बच्चा सोचेगा कि जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है. तो इसका मतलब ये स्केलर होती है, नहीं, एक्चुअली में ना ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये है टेंसर क्वांटिटी. ओके, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेंसर क्वांटिटी, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा कम ही बताऊंगा. ओके, तो इसके पास डायरेक्शन भी नहीं रहता है, मैग्नीट्यूड भी नहीं रहता, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, इसका रीजन बताता हूँ. क्योंकि करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. और एक और चीज, अब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है. अब लेस से एग्जाम्पल, एक और चीज मैंने बता दूंगा, it does not follow vector law of addition, that is why it is not a vector quantity, that is current is not a vector quantity. ab ye add kaise hota hai, theek hai, it adds up like a scalar quantity, jaise scalar quantity like apan kg weight, weight ko kaise 2 kg plus 3 kg, that is 5 kg. to jaise scalar add up karte hain q1 plus q2 jaise kuch bhi kar lo, to jaise charge add up hota hai waise isko bhi apan add up kar sakte hain in a scalar, theek hai. to it adds up, adds अब लाइक अ स्केलर क्वांटिटी, लाइक अ स्केलर क्वांटिटी. ये दो बातें क्लियर होगी. अब इसका नाम मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि ये ऐड कैसे होता है करंट की बात.
इंस्टेंटेनियस बचा रहा, अभी सिर्फ आई एवरेज बता रहा मैंने, इसके बाद हम आई इंस्टेंटेनियस की भी बात करेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट पर बताने वाले हैं, ठीक है। अब मान लो कि वायर है, ठीक है, यहाँ से कुछ एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, दैट इज आई वन बोल देते हैं। अब यहाँ पे भी वायर है, यहाँ से हो रहा है आई टू, ठीक है, और यहाँ पे एक जंक्शन है और इससे एक और वायर निकला है, जैसे कि एक जंक्शन। अब मान लो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी होता तो कैसे अपन रिलेट करते हैं, i1 + i2 + a1 + a2 + b + 2ab cos 60 कर देते इसको, है ना। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको मैंने बताया ना स्केलर क्वांटिटी से ऐड होता है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, i1 + i2 और जो भी यहां पे करंट फ्लो होगा वो इक्वल्स टू i3 रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये 2 एम्पीयर का करंट फॉलो हो रहा है, ये 3 एम्पीयर का फॉलो हो रहा है, तो 2 प्लस 3 5 एम्पीयर का i3 बन जाएगा, दैट इज 2 प्लस 3 i3 हो जाएगा। बेसिकली ये स्केलर से सेट होता है। अब मैं बात करता हूं आई इंस्टेंटेनियस की, व्हाट इज आई एवरेज, अभी मैंने बताया था व्हाट इज आई एवरेज, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, है ना, एंड व्हाट इज करंट, द फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज करंट। अब बात करता हूं मैं इंस्टेंटेनियस करंट की, तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एक बहुत छोटे टाइम में जो करंट ट्रैवल कर रहा है उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो इसको कैसे बोलते हैं, ये सारी चीजें तो पढ़े हुए रहते हैं, dq/dt। अब क्या करते हैं, ये dq/dt, अब इसमें एक मतलब कि बहुत प्यारी चीज मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो इंस्टेंटेनियस करंट रहता है ये बहुत अपन ये जैसे कंडक्टर है, ठीक है, अब इसमें बहुत छोटा सा अपन ने क्रॉस सेक्शन एलिमेंट काट लिया बहुत छोटा सा, तो इसके लिए अपन करंट फ्लो करेगा वो आई इंस्टेंटेनियस के dq/dt से अपन निकालेंगे, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत बढ़िया, इतना तो हमें समझ में आ गया कि आई इज इक्वल्स टू, या स्मॉल आई भी लिख सकते हैं अपन इसको, कि आई स्मॉल इज इक्वल्स टू dq/dt, दैट इज आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू dq/dt, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, अगर मान लो जैसे लिखा है कि जैसे एग्जांपल q इज इक्वल्स टू t² + 4t + 5, ठीक है, q इज इक्वल्स टू t² + 4t + 5। अब मैं पूछूंगी यार बताओ फाइंड द एवरेज करंट, ओके, आई एवरेज, फाइंड द एवरेज करंट एंड आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, फाइंड द एवरेज करंट एंड आई इंस्टेंटेनियस एट find the instantaneous current at 3 seconds and find the average current at 0 to 2 seconds, okay। अब instantaneous कैसे निकालेंगे, basically अपन पहले instantaneous करते हैं start, ठीक है, अपन को q की value दी है, ठीक है, अब अपन को पता है i instantaneous का formula क्या रहता है, बोलो i instantaneous का formula क्या रहता है, dq/dt, right। अब अपन ने कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि वैल्यू अपन को t² + 4t + 5 है, तो यहां पे अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट यहां पे देखना, हां ध्यान से क्या आ जाएगी, t² का डिफरेंशिएशन 2t, 4t का डिफरेंशिएशन +4, 5 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको करंट की कितनी वैल्यू मिल गई, 2t + 4। अब क्या बोल रहा था, फाइंड द आई इंस्टेंटेनियस एट 3 सेकंड्स, तो यहां पे t की वैल्यू वो दे रहा है 3 सेकंड्स, अरे भाई ये टाइम ही तो दिया है, तो 3 सेकंड्स यहां पे रख दो, तो क्या हो जाएगा 2 3 4, राइट, 3 2 6 6 4, तो आंसर आ गया 10 एम्पीयर, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट की आंसर आ गई। अब टॉकिंग अबाउट एवरेज करंट, अब देखो ध्यान से, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, Δq/Δt, किसका, आई एवरेज का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था मैंने, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, q2 - q1 / t2 - t1। अब क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखो तुम, तो फाइंड द आई एवरेज बिटवीन 0 to 2 seconds, 0 to 2 seconds मतलब इसमें टाइम दिया है, दैट इज t2 - t1 दिया है, लेकिन q2 - q1 नहीं दिया, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, टाइम दिया ना, तो q इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ध्यान से देख रहे, ठीक है, q एट 2 सेकंड्स, अभी मैं q2 की बात कर रहा हूं, q2 है क्या, q2 - q1 में जो q2 है क्या, तो q एट 2 सेकंड्स - q एट 0 सेकंड्स अपॉन t2 कितना है 2 सेकंड्स, t1 कितना है 0 सेकंड्स, q2 - t1। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, q एट 2 सेकंड्स कैसे निकालेंगे, q की वैल्यू कितनी दी है, t² + 4t + 5, इधर रख दो t की वैल्यू
सेकंड्स रख दो, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी टी, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, टू स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू प्लस फाइव, तो कितनी आ जाएगी टू फोर, फोर टू का एट, एट प्लस फाइव, ये आ गई टोटल 17, ठीक है। अब ये आ गई अपनी क्यू टू, राइट, ये आ गई अपनी क्यू टू, ठीक है, माइनस, अब क्यू एट जीरो सेकंड्स, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी रख दो, जीरो रख दो, तो ये ओवरऑल जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, फाइव, तो 17 माइनस फाइव अपॉन टू माइनस जीरो, तो 17 माइनस फाइव 12, 12 अपॉन टू दैट इज 6 एम्पीयर, ये इसकी वैल्यू हो गई आई एवरेज की, राइट। अब अगर मैं बोलूंगी यार इसका ग्राफ भी प्लॉट कर दो, इसका करंट और टाइम का, तो बढ़िया से ग्राफ भी बना लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे आई ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। अब बेसिकली अब ग्राफ में तो क्या करते हैं, अगर देखोगे तो अपना इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए अपने ना इंस्टेंटेनियस एवरेज निकालते रहे, राइट, इंस्टेंटेनियस निकालते रहे, तो ये कितनी आ गई थी 2t + 4, अरे इसको भाई वो करोगे ना तुम डिफरेंशिएट करोगे तो कितनी आ जाएगी 2t + 4 आ गई, राइट। अब क्या करो 2t + 4 इसकी वैल्यू होगी, तो ये तो सिंपल सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है, तो इसका ये तो समझ में आ गया कि यार इसकी जो करंट की और टाइम का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इसमें क्या करूँ, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो टू जीरो प्लस फोर कितनी आ गई, फोर आ गई, मतलब ये किसकी वैल्यू आ रही है, आई इज इक्वल टू 2t + 4 आ रहा है ना, राइट, तो इसमें क्या करेंगे अपन, टी की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई, राइट, आई की वैल्यू, तो यहाँ पे फोर लिख दिए। अब यहाँ से ग्राफ बना, ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सिंपल सिंपल, राइट। तो यहाँ पे अपने दो टाइप के क्वेश्चंस, जो अपने दो टाइप के करंट्स पढ़े थे, दैट इज आई एवरेज एंड आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें तुम और कर सकते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या कर सकते हो, जैसे मान लो तुमने चार्ज पूछ लिया अगर क्वेश्चन पे, ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वैसे मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो चार्ज पूछ लिया तुमसे, तो चार्ज कैसे पूछे हो कि जैसे एग्जांपल जैसे लिखा है आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, अब वो बोल दे फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एट 0 to 3 seconds, एट 0 to 3 seconds, क्या फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द चार्ज, अभी करंट की वैल्यू देती है, पिछले क्वेश्चन में क्या था क्यू की वैल्यू देती है, अब करंट की वैल्यू देती है, ठीक है, कि फाइंड द चार्ज क्यू फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया बिटवीन 0 to 3 seconds, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, हां इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपन को फार्मूला पता है, ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस का फार्मूला बोलो ना दीजिए dq/dt, राइट, dq/dt, अब यहाँ पे I की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो अपन I is equals to dq/dt, अब एक काम करते dt को इधर शिफ्ट कर लेते हो, तो I dt is equals to dq हो गया, राइट, अब इन दोनों को इंटीग्रेशन में डाल देते हैं, इन दोनों को इंटीग्रेशन में डालेंगे तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q, राइट, dq इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, dq का इंटीग्रेशन कितना हो गया, q हो गया, तो ये q is equals to I dt हो गया, अब I को अपन को देखे रखा है, आई दिया क्या है t² + 1, राइट, t² + 1 ब्रैकेट, ये इंटीग्रेशन, सॉरी इसकी कोई सेकंड, राइट, ओके, तो I की वैल्यू दी है t² + 1 dt, अब टाइम बिटवीन की क्या बोला वो 0 to 3 seconds, तो यहाँ 0 to 3 seconds, बेसिकली अपन ने क्या डाल दिए, लिमिट डाल दिए, तो अपन को पूछ क्या रहा था, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 seconds, तो ये ऐसे निकाल लेंगे अपन, बेसिकली अपन ने क्या किया इसको इंटीग्रेट कर लिया, अब इसको इंटीग्रेट करके फटाक से आंसर निकाल लेते हैं, देखो आंसर कैसे निकालेंगे, बेसिकली तो t² का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t³/3 और 1 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, है ना, 1 dt का क्या हो जाएगा t हो जाएगा, 1 dt का इंटीग्रेशन, ये 0 to 3 की लिमिट है, ठीक है, तो q इज इक्वल्स टू t³/3 प्लस t, अब बेसिकली यहां पे लिमिट डाल दो, लिमिट कितनी है 0 to 3 है, तो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 3 को डालोगे फिर उसके बाद माइनस देन 0 को डालोगे, तो बेसिकली इसको 3 को डाल के देखते हैं, तो 3q/3 प्लस 3
माइनस जीरो को डाल देते हैं तो जीरो क्यूब अपॉन थ्री प्लस थ्री राइट प्लस जीरो प्लस जीरो। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन तो हो गया क्या जीरो, क्योंकि जीरो क्यूब अपॉन थ्री प्लस जीरो तो ये क्वेश्चन तो हो गया जीरो। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो थ्री क्यूब 27, 27 अपॉन थ्री दैट इज नाइन और नाइन प्लस थ्री तो आंसर आ गया 12। तो Q की वैल्यू आ गई 12। बोलो बोलो यूनिट क्या रहती है चार्ज की कूलम दैट इज Q इज इक्वल्स टू आ गई वैल्यू 12 राइट। तो ये बहुत बेसिक था। अब अगर जैसे 12 कूलम तो इसकी चार्ज आ गई, अगर एक और चीज बता देता हूँ कि इसी में अगर मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताओ इसी क्वेश्चन में आ गए तो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला इसको थोड़ा सा याद कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला पढ़े थे क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। व्हाट इज क्यू चार्ज, व्हाट इज एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज ई द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज माइनस 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 9 ई राइट। तो अब अगर ये पूछ ले कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस क्वेश्चन तो अपन बेसिकली क्या करेंगे उनकी वैल्यू आ गई अपने पास 12 n ही निकालना है अपन को। ठीक है इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 राइट। अब क्या करेंगे 12 को इससे डिवाइड कर देंगे, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है ओके 12 अपॉन 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 ये n की वैल्यू आ रही है। इसको सॉल्व अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 12/1.6 तो बेसिकली इसका आंसर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वाले क्वेश्चन में कितने रहेंगे 7.5 into 10 to power 19 ओके राइट। याद रखिए n की। तो बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द टाइम